देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसान बागवानों की अनदेखी के विरोध में शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली का आगाज किया। शिमला जिले के नारकंडा में कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की। खास बात ये रही कि इस रैली के दौरान हाल ही में नियुक्त हुए कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहे। इस दौरान संजय दत्त ने जमकर सरकार पर निशाना साधा, वहीं सरकार की नीतियों और फैसलों की भी आलोचना की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के किसान पिछले 6 महीने से 3 काले कृषि कानून के विरोध में तपती गर्मी व कड़कती ठंड के बावजूद सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार किसानों की बात सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार की उपेक्षा के चलते सेब सीजन के लिए सरकार की बागवानों के हित के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने ट्रे और कॉटन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर भी सरकार को घेरा और सरकार पर अतिरिक्त बोझ लादने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना के चलते आम जनता, किसान, बागवान पहले ही परेशान हैं, ऊपर से सरकार लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उनकी कमर तोड़ रही है। भाजपा की सरकार है जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसको उठाने के लिए ये आंदोलन है। ये जन आक्रोश आंदोलन जनता की आवाज है, किसानों की, बागवानों की आवाज है। केंद्र भाजपा और राज्य भाजपा सरकार के किसान विरोधी और जनता के विरोधी नीतियों के खिलाफ मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेताओं को। जो आज ये शुरुआत हुई है, ये आंदोलन हर जिले में, हर ब्लॉक में जाके जो है जनता की और किसानों की, बागवानों की आवाज बनेगा। आज क्या परिस्थिति है, पिछले 7-8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार को बिल्कुल संवेदना नहीं है, बिल्कुल भावना नहीं है। हमारे किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसान भाइयों से मोदी जी को मिलने की जरूरत नहीं रही। ना उनको बुलाया गया, ना मोदी जी उनके पास गए। पूरे तरीके से ये सरकार हर क्षेत्र में लोगों को कमर तोड़ना चाहती है। किसानों का संघर्ष कांग्रेस पार्टी नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है। राहुल जी हर जगह गए और उन्होंने किसानों को एक आशा दिलाई कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। हमको ये समझने की जरूरत है कि ये जो फार्म बिल, जो एग्रेरियन बिल, ये जो केंद्र सरकार लाई है, ये पूरे तरीके से किसानों की कमर तोड़ने का षड्यंत्र है। आज जो किसानों को एक सहारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का है, जो मंडियों का है, ये पैरेलल प्राइवेट मंडी लाके उन एपीएमसी को खत्म करना चाहते हैं। ये पूरे तरीके से इस क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, ताकि बड़े उद्योजक अडानी हो, अंबानी हो और जो मोदी के मित्र हैं, ये पूरा फायदा उनको मिले। ये कम दाम में ये पूरा जो है स्टोर करें अपने गोडाउन में और फिर उसकी कीमतें बढ़ाएं और आम जनता को भी इसका नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ किसानों की और बागवानों की नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई है। क्योंकि कल को जब ये बड़े हुए दामों पे ये बड़े उद्योजक ये सब्जियां और बाकी चीजें बेचेंगे, फल बेचेंगे, तो इसका खामियाजा जो है वो आम आदमी को भी देना पड़ेगा। इसीलिए और प्राइवेटाइजेशन करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने की बात करते हैं। आज जो किसानों का हक का जो हक की जमीन है, वो जमीन छीनने का भी ये षड्यंत्र है। कल को ये जमीन अपने नाम पे करके ये सारे बड़े उद्योजक कोर्टों में केस की लड़ाई बड़े बड़े वकील खड़े करके जीतेंगे और किसान बेचारा अपने संघर्ष, अपने हक की लड़ाई नहीं जीत सकेगा। इसीलिए किसान आंदोलन को पूरे तरीके से कांग्रेस का समर्थन है और मुझे खुशी है कि आज बागवानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, वो हिमाचल कांग्रेस भी जो है जिलों में और ब्लॉक में करके किसानों में एक संदेशा देना चाहती है, जनता को एक संदेश देना चाहती है कि ये जो जन विरोधी बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ हम खड़े हैं। क्या नीति है सरकार की,
हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नारकंडा से विनोद खाची।